हेलो एवरीवन, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल जेट टू वाई ट्यूटोरियल्स में। आज हमारा दूसरा लेक्चर है इलेक्ट्रिसिटी का और आज हम सीखेंगे हाउ टू कनेक्ट एमीटर इन अ सर्किट। तो हेडिंग दीजिए कनेक्शन ऑफ एन एमीटर इन अ सर्किट, कनेक्शन ऑफ एन एमीटर इन अ सर्किट। उसके पहले थोड़ा सा रिवीजन कर ले पीछे का जो हमने किया था एमिटर के बारे में। इट इज यूज्ड टू मेजर करेंट इन सर्किट। पॉइंट नंबर टू, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। पॉइंट नंबर थ्री, इट ऑफर्स वेरी लो रेजिस्टेंस। ये तीन पॉइंट जो है वो आपको एमीटर के बारे में हमेशा अपने माइंड में रखना होगा। चलो सर्किट बना के देख लेते हैं कि कैसे हम एमीटर को एक सर्किट में कनेक्ट करते हैं। तो सर्किट बनाने के लिए हमें एक क्लोज सेट, एक रेजिस्टेंस लगा लिया, एक बल्ब लगा लिया और उसके बाद यहाँ पे एक एमिटर को डिनोट करते हैं हम कैपिटल ए से, और ये रहा साइन पॉजिटिव का और ये साइन नेगेटिव का। और यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा लिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। ये बेसिकली जो है वो एमीटर का कनेक्शन होता है सर्किट में। आप इस फिगर को बना लीजिए, ये आगे आपका काम करेगा कभी भी। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम पढ़ेंगे कंडक्टर एंड इंसुलेटर। सबसे पहले हम देखेंगे कंडक्टर को। आर द सबस्टांस दैट अलाउज electricity to pass through them। कहने का मतलब है कि कंडक्टर है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहा है, पास कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि वहाँ पे चार्ज का फ्लो हो रहा है। और इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज का फ्लो कहने का मतलब है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा पॉइंट कंडक्टर के बारे में, ये रेजिस्टेंस भी ऑफर करता है। इट ऑफर्स सम रेजिस्टेंस। अगर ये रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता तो फिर ये कंडक्टर नहीं, ये सुपर कंडक्टर हो जाता। अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में हम बोल सकते हैं कि जितने भी मेटल्स हैं वो कंडक्टर की तरह काम करते हैं। हमारा नेक्स्ट है इंसुलेटर। इंसुलेटर वैसे सबस्टांस हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवाते। आर द सबस्टांस
दैट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब सिंपल सा है कि अगर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवा रहे हैं, मतलब चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है, और अगर चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, और अगर हैं तो वो मूव करने के कंडीशन में नहीं हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या कि डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या इंसुलेटर रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं? यस, इट ऑफर्स वेरी हाई रेजिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट, इसका एग्जांपल की बात करें अगर हम, तो लिख सकते हैं वुड, रबड़ एंड माइका आर सम एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर्स। ये आप नोट कर लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब देखो, हमारे पास कोई भी कंडक्टर है और कंडक्टर के पास मुझे पता है या हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो क्या इलेक्ट्रॉन अपने मर्जी से मूव करेगा? अगर वो अपनी मर्जी से मूव करेगा तब तो हर कंडक्टर के पास हर समय इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल सोर्स लगाना होगा जिससे कि क्या हो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो और एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में हो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें बताता है फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन। क्लियर है? इसका एक और नाम भी है जिसको हम बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर हम बोल सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप, या फिर हम सिंपल बोलते हैं वोल्टेज। तो इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं हम एक दो लाइन, और वो है इट डिटरमाइंस, लिख लो, इट डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ determines the flow of electric current। It expressed in terms of वोल्ट, डिनोटेड बाई कैपिटल वी। अब इसी के नीचे हेडिंग दीजिएगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस डिनोटेड बाई कैपिटल वी। पहले इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का, उसके बाद फर्दर आगे समझेंगे कि क्या होने वाला है। चलो लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस को मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ PD, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर
व्हेन 1 जूल ऑफ 1 जूल इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर फ्रॉम 1 पॉइंट टू. तो देखते हैं हम वी इक्वल टू कहता है वर्क डन. तो वी इक्वल टू वर्क डन मतलब डब्ल्यू बाई पॉजिटिव चार्ज ये हो गया क्यू. ये फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का. इसको जरा ध्यान से समझना, थोड़ा फिगर से समझेंगे इसको. मान लेते हैं कि हमारे पास दो पॉइंट है, एक ए और एक बी. यहाँ पे यहाँ का पोटेंशियल है वी ए और यहाँ का पोटेंशियल है वी बी, ठीक है. और हम एक चार्ज क्यू को ए से इस पॉइंट का नाम दे दिया ए और इस पॉइंट का नाम दे दिया बी. हमें एक चार्ज क्यू को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लेके आना है और इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है तो वी ए और यहाँ पे क्या है वी बी. तो जब चार्ज इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई वर्क डन होगा. तो वर्क डन ही यहाँ पे क्या है पोटेंशियल डिफरेंस. अब यहाँ से देखना जरा, यहाँ मानते हैं कि चार्ज जो है वो ए से कहाँ जा रहा है बी के पास जा रहा है. तो उस कंडीशन में वी इक्वल टू होता है पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट बी. अगर ए के का पोटेंशियल ज़्यादा है तब, अगर बी का पोटेंशियल ज़्यादा है मतलब कि बी के पास से कोई चार्ज उठ के कहाँ आ रहा है ए के पास, उस कंडीशन में जो फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का वो हो जाएगा वी बी माइनस वी ए. इसको नोट कर लीजिए. चलिए एसआई यूनिट ऑफ पीडी का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस. एसआई यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल वी से. कभी कभी इसको हम लोग ईएमएफ भी बोल देते हैं, ध्यान में रखिएगा. अगला है हमारे पास टू क्रिएट पीडी अक्रॉस टर्मिनल ऑफ अ कंडक्टर या फिर टर्मिनल ऑफ अ कंडक्टर. और हम बोल सकते हैं इन अ सर्किट अ बैटरी इज रिक्वायर्ड. मैंने पहले ही बता दिया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ड्रॉप ये सब कुछ एक ही है और उसको हम डिनोट किससे करते हैं वी से. अब यहाँ पे देखना, हमने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है वोल्ट. तो 1 वोल्ट किसके बराबर होगा जरा ध्यान से देखना, या वोल्ट किसके बराबर होगा. तो वोल्ट जो है वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल और चार्ज का कूलम्ब. तो ये किसके बराबर हो जाएगा, जूल पर कूलम्ब के बराबर या फिर जूल कूलम्ब इनवर्स 1. तो हम वोल्टेज को
इसके बराबर भी लिख सकते हैं, वोल्ट इक्वल टू जूल पर कूलम्ब या फिर जूल कूलम्ब इनवर्स वन। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वन वोल्ट। वन वोल्ट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर when one joule of work is done to move one कूलम्ब ऑफ चार्ज, वन कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। वन वोल्ट इक्वल टू वन जूल पर कूलम्ब और जूल कूलम्ब इनवर्स वन। तो अभी आपको क्लियर हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या सिंपली बोल सकते हैं कि एक चार्ज को एक पॉइंट से इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे लाने में जितना भी वर्क डन हुआ वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, अब सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। जैसे पहले हमने पढ़ा था एमीटर, जिसका यूज़ हम सर्किट में करंट मेजर करने के लिए करते हैं, वैसे ही सर्किट में वोल्टेज को मेजर करने के लिए या वोल्टेज ड्रॉप को मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। तो अगला हेडिंग दे दीजिए आप लोग, वोल्ट मीटर। चलो, वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज़ हम करते हैं क्या मेजर करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, अ डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। दूसरा पॉइंट, एमीटर जो है वो सर्किट में हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, लेकिन वोल्ट मीटर जो है वो सर्किट में हमेशा किस में कनेक्ट होता है, पैरेलल में। इट ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल इन अ सर्किट। एमीटर के केस में वो वेरी लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, लेकिन इन केस ऑफ वोल्ट मीटर इट ऑफर्स वेरी हाई रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर को हम सर्किट में डिनोट करते थे कैपिटल ए लेटर से, और यहाँ एमीटर को हम सर्किट में डिनोट करते थे कैपिटल ए से, लेकिन जब वोल्ट मीटर को डिनोट करने की बात होगी तो यहाँ पे हम वोल्ट मीटर को डिनोट करेंगे कैपिटल वी से। ये पॉजिटिव साइन और ये नेगेटिव साइन। अब यहीं पे हम देख लेते हैं कि वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं।
सबसे पहले हमने एक रजिस्टर लिया और हम यहाँ पे एक बल्ब को लगा देते हैं। यहाँ लग गया आपका सीरीज में एमीटर, ये लग गया आपका बैटरी। अब वोल्टमीटर कहाँ लगेगा? इट ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, तो आप वोल्टमीटर को सर्किट में यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए पैरेलल है, ये वोल्टमीटर किसमें आ गया? पैरेलल में, इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में ये वोल्टमीटर लग गया। तो यहाँ पे जितना भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वो यहाँ वोल्टमीटर क्या करेगा? आपको बता देगा। क्लियर है? चलिए ठीक है, चलिए अभी एक हम सिंपल सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस पे बेस्ड। तो न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा हुआ है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 5 कूलम्ब अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट। सबसे पहला काम लिस्टिंग कर लीजिए क्या क्या गिवेन है आपको। तो आपको चार्ज गिवेन है, कितना है चार्ज? 5 कूलम्ब। 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस, आपको V गिवन है, कितना? 10 वोल्ट। हाउ मच वर्क इज डन, आपको वर्क कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला आपको याद होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो यहां पे आप देखिए 10 × 5 कितना हो जाएगा? 50 जूल। आपका वर्क डन हो गया 50 जूल। इसको चलिए एक और क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है 15 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 18.75 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड ऑफ अ कंडक्टर, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। लिस्टिंग कर लेते हैं क्या क्या गिवन है हमारे पास। हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है और वो है 18.75 × 10⁻¹⁸। और हमारे पास क्या गिवन है? 15 जूल ऑफ वर्क, वर्क डन गिवन है 15 जूल। निकालना क्या है? हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। अगर फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। अब यहाँ चार्ज तो दिया नहीं है हमारे पास, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो चार्ज का मतलब होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना फ्लो किया। आपको याद होगा कल हमने डिस्कस किया था कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो इतना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किया तो कितना कूलम्ब चार्ज होगा? अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6.25 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा यह वैल्यू आ जाएगा 18.75। जब आपने राइट हैंड साइड में 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? 3 कूलम्ब। मतलब कि 3 कूलम्ब चार्ज का मतलब है कि 18.75 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ है। तो हमारे पास चार्ज का वैल्यू आ जाएगा 3 कूलम्ब, जो कि हमने निकाला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मदद से। अब बहुत ही आसानी से आप इस वैल्यू को यहाँ पुट करें और वो आंसर आपको देगा, वर्क डन है 15 जूल और आपके पास चार्ज है 3 कूलम्ब, तो कितना वोल्ट हो जाएगा? 5 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहाँ का वो हो जाएगा 5 वोल्ट। ये आपका हो गया आंसर। आई होप ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।
कल हम स्टार्ट करेंगे ओम्स लॉ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि फर्दर जो हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।